नमस्कार, मैं अनिल पसतकर, स्वागत है आप सबका glimpse.in में। बात खरी खरी। एक वो हैं सुरेश प्रभु, मंत्री रहे हैं, सांसद हैं, दुबई से लौटे, संबंधित विभागों को सूचना दी और घर में आइसोलेशन पर है। और हमारे यहाँ 32 महाप्रभु जो बिना बताए एयरपोर्ट से निकल आए, जांच करवाना तो दूर। हैरानी की बात है, जो हवाई जहाज में चल रहा है, जाहिर है वो अनपढ़ गंवार तो होगा नहीं। हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं, दुबई से आ रहे हैं। विदेश यात्रा मैंने 20-25 हज़ार के ट्रिप वाली तो नहीं रही होगी दुबई से आए तो। उन लोगों ने जांच से बचने का जो फैसला लिया, हैरानी इस बात की है कि अगर वो जांच से बचे तो पहला संक्रमण देंगे किसको? अपने घर वालों, अपने ही माँ बाप को, अपने ही भाई बहनों को, अपने ही बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने ही पास पड़ोसियों को। क्या सोचकर जांच से भागे या क्या सोचकर उन्होंने इसकी सूचना नहीं दी, ये हैरानी की बात है। कमजोर, कम दिमाग वाला, कम पढ़ा लिखा आदमी अगर ऐसा करे तो समझ में आता है। हवाई जहाज में घूम रहे हैं, दुबई से आ रहे हैं और काम दिखवा कर कितने लोगों को आप भयभीत कर दिए होंगे। अब उनमें से 8 आइसोलेशन में पहुंच गए, उन 32 में हैं या नहीं हैं ये बात अलग है, लेकिन 8 लोगों के आइसोलेशन में जाने का मतलब 8 गुना भय फैलना। कौन होगा, क्या होगा, किससे संबंधित है, क्या संबंधित है, कौन उससे मिला, उससे कौन मिला, उससे उसके बाद कौन मिला, सारी दुनिया में आतंक फैला हुआ है कोरोना का। और ऐसा भी नहीं है कि आजकल की बात हो, महीने भर से चल रहा है। सारे टीवी चैनल चीख चीख कर कह रहे हैं कि कोरोना से बचिए, सावधानी बरतिए, अखबारों में वही सूचना है। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जो है वो यही जानकारी दे रहे हैं, विज्ञापन भी चल रहे हैं सरकारी, प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार ने तो, संचार मंत्रालय ने तो कॉलर ट्यून ही बना दी है, आप फोन लगाएंगे तो आपको पहले खांसी और फिर वो सुनो, उसके बाद अगर आप ये हरकत कर रहे हैं तो ये अक्षम्य अपराध है। और अगर इसकी जद में कोई आता है और इससे कोई प्रभावित होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, ये सोचने वाली बात है। अच्छा भला छत्तीसगढ़ अभी तक नामो निशान नहीं था उसका, कोरोना का कोई अता पता नहीं था हमारे छत्तीसगढ़ में। सब लोग खुश थे कि हमारा प्रदेश जो है खुशहाल है, बचा हुआ है, ये बीमारी ले आए। लाए हैं नहीं लाए हैं अलग बात है, डर जरूर ले आए, आके छुप गए और अपने ही तो घर गए होंगे, किसी और के तो घर नहीं गए होंगे। अगर कोई अगर बीमारी लेकर आ भी गया तो लाकर उसने फैलाया कहां होगा? बच्चे से भी ये उम्मीद नहीं की जा सकती, एक मूर्ख से ये उम्मीद नहीं की जा सकती, जो पढ़े लिखे जो कथित महाप्रभु लोग हैं, और एक वो सुरेश प्रभु हैं, मंत्री रहे, सांसद है, वो अपने घर में आइसोलेशन में पड़े। फर्क है मानसिकता का। मानसिकता अगर हम नहीं बदलेंगे तो सरकार क्या कोई भी इस महामारी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा अगर ये फैली तो। ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन सरकार के हर कदम का नागरिकों का साथ देना जरूरी है। करिए ना टैक्स चोरी, टैक्स चोरी से कोई मना नहीं कर रहा, टैक्स चोरी तो आपकी आदत है, आपके खून में है टैक्स चोरी। टैक्स चोरी करिए, नियमों का पालन मत करिए, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करिए, सरकार को गाली बकिए, सब करिए। अरे लेकिन इस महामारी में आपको सरकार का साथ इसलिए देना है क्योंकि अगर आप कैरियर हैं तो सबसे पहले आप जो कोरोना को कैरी करके लेके जाएंगे तो अपने घर में ले जाएंगे। आप सरकार की मत परवाह करिए, अपने परिवार की परवाह करिए, अपने बच्चों की परवाह करिए और सरकार का साथ दीजिए। इस संकट की घड़ी है, छत्तीसगढ़ बहुत खुशहाल है, उसे किसी की नज़र नहीं लगनी चाहिए। नमस्कार, मैं अनिल पसतकर,
मिलते हैं फिर अगले अंक में। For more information, log on to www.clips.in.